अब यार सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे हफ्ते का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक यानी कि बैलन डोर के रिगार्डिंग। अब आगे बात करने से पहले यार कांग्रेचुलेशंस टू द फ्रेंच नेशनल टीम जिन्होंने यहाँ पे यूएफए नेशंस लीग जीत लिया है, एंड ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेशंस टू द करीम बेंजेमा जो आई थिंक अब द मोस्ट कोवेटेड फ्रेंच प्लेयर ऑफ ऑल टाइम बन चुके हैं विद आई थिंक 27 टाइटल्स टू हिज नेम। लेकिन यहाँ पे यार स्टोरी भी इसी के रिगार्डिंग है। अब यहाँ पे जो डेविड मॉइस हैं जो कि वेस्ट हैम यूनाइटेड के मैनेजर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक तरीके से थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल यहाँ पे कमेंट किया है। अब यार उनसे जब इस पूरे सिनेरियो के बारे में पूछा जाता है, बैलन डोर पिक्चर के बारे में पूछा जाता है, प्लस उसमें करीम बेंजेमा भी इंक्लूड होते हैं, तो वहाँ पर ये कहते हैं कि यस बेंजेमा की जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है, बट यहाँ पर जो रियल मैड्रिड और जो रियल मैड्रिड के फैंस है वो पब्लिकली यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं और एक प्रोपागेंडा चला रहे हैं कि भाई करीम बेंजेमा को अब एक तरीके से बैलन डोर दिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए। और ऐसे में जो कंट्रोवर्शियल पार्ट है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जब बात लालिगा के टॉप प्लेयर्स की आती है, अगर करीम बेंजेमा को उनसे कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चाहे विनीसियस हो, रोड्रिगो हो, मारियानो दियाज हो, ऐसे प्लेयर से कंपेयर करना ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन कंपेयरिंग हिम विद लियोनेल मेसी एंड द टॉप अदर प्लेयर्स। और यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है कि क्या करीम बेंजेमा जो बैलन डोर की रैंकिंग है अभी उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस को देखते हो, क्या उनको बैलन डोर में ऊपर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ ये लेवन बैलन डोर के रिगार्डिंग एक और अपडेट है और ये आती है लेवनडॉव्स्की से। तो यार हमने जॉर्गिनो के बारे में बात करी, हमने लियोनेल मेस्सी के रिसेंटली बात करी कि उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा। अब रिसेंटली यार होता ये है कि यहाँ पे एक रिपोर्टर लेवनडॉव्स्की से पूछते हैं कि भाई तुम्हारे बैलन डोर जीतने क्या चांसेस हैं या फिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, तो यहाँ पे लेवनडॉव्स्की ने बहुत ही स्मार्टली इसको आंसर किया और उन्होंने कहा कि माय अचीवमेंट स्पीक्स फॉर देम सेल्फ, ये कि यार मेरे अचीवमेंट डिसाइड करेंगे कि मैं कितना ज़्यादा एक कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है बैलन डोर जीतने की। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये था कि उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में मैंने बहुत सारे गोल्स मारे हैं, पिछले 2 सालों में मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, चैंपियन लीग जीतता है और यूएफए सुपर कप जीता है, क्लब वर्ल्ड कप जीता है और यहाँ पे बुंदेसलीगा का टाइटल जीता है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में, अगेन आई डोंट मेरे को नहीं पता क्या रहा था, फुटबॉल फ़ैन मैं इसको ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूँ कि मेरी तरह आप भी एज अ फुटबॉल फ़ैन इसको फील कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे यार ये आगे जाएगा ना बैलन डोर की डेट करीब आती जाएगी, आई थिंक ये पिछले साल जो बैलन डोर कैंसिल हुआ है वो जो उसके रिगार्डिंग कि 2022 का भाई क्या करना है, बैलन डोर कैंसिल हुआ है उसके रिगार्डिंग ये फुटबॉल डिस्कशंस है ना वो बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स अगर ब्रॉडर परस्पेक्टिव से देखें तो कंट्रोवर्सी और ज़्यादा बढ़ेगी। इसके रिगार्डिंग आपको क्या ओपिनियन है, क्या बैलन डोर का मतलब 2020 वाला जो कैंसिल हुआ था उसका कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बाय द वे आपके बैलन डोर के रिगार्डिंग जितने भी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में मैंने सारे पढ़े हैं, एंड टू बी वेरी फेयर मेजॉरिटी ऑफ देम मेक्स सेंस और वो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल थे, सो कूडोस टू यू फॉर एक्चुअली काफ़ी हेल्दी डिस्कशन करने के लिए कमेंट सेक्शन में। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब उस स्टोरी के बारे में जो कि आई थिंक आउट ऑफ नो वेयर थी और काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, और ये किसी ने नहीं बल्कि खुद नेमार ने ब्रेकआउट की है। अब होता यार यहाँ पर ये है कि उनसे एक उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री थी स्लैश इंटरव्यू में उन्होंने एक आंसर किया जब उनसे पूछा जाता है वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग, तो उन्होंने कहा कि 2022 का वर्ल्ड कप शायद से उनका ब्राज़ीलियन जर्सी में लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है और उसके बाद तो 2022 में वो इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर हो सकते हैं, एंड इट वॉज सो आउट ऑफ नोवेयर, सो अनएक्सपेक्टेड। और इसके पीछे का रीज़न उन्होंने दिया है कि मेंटल फटीक, उन्होंने कहा कि मानसिक जो स्थिति रहती है, जो मेंटल फटीक रहता है, जो इमोशनल ट्रॉमा रहता है, वो कहीं ना कहीं उनसे कंट्रोल नहीं हो सकता, एंड ऑफ कोर्स उन्होंने कंफर्म नहीं किया बट ही सेड ऑलमोस्ट इट्स डन कि वो 2022 में अपने जो बूट्स हैं वो हंग अप कर देंगे फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। अब यार ये स्टोरी जब मैंने पढ़ी ना, टू बी फेयर माय इंस्टेंट रिएक्शन वाज कि 2022 का वर्ल्ड कप शायद से नेमार के लिए आखिरी होने वाला है, 2022 का वर्ल्ड कप शायद से मेस्सी के लिए आखिरी होने वाला है और 2022 का वर्ल्ड कप शायद से रोनाल्डो के लिए भी आखिरी होने वाला है एज वेल। आई मीन लाइक 2022 का वर्ल्ड कप फुटबॉल कौन जीतेगा इसके हटके आई थिंक इट्स रियली गोइंग टू बी एंड ऑफ एन एरा, इट्स रियली गोइंग टू बी इमोशनली फैंस इसको बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी ट्रांसफर विंडो की, तो यहाँ पे यार हमने पिछले काफ़ी एपिसोड्स में हम लगातार इस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं कि देर इज़ अ कॉन्फिडेंस बिटवीन उस्मान डेम्बेले एंड बार्सिलोना, लेकिन अब कहीं ना कहीं बार्सिलोना के कुछ बोर्ड मेंबर्स को बगावत की बू आ रही है, नॉट फ्रॉम उस्मान डेम्बेले बट उनके एजेंट की तरफ से। अब यार सीन यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पर एक तरीके से टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे उस्मान डेम्बेले अभी भी बार्सिलोना के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हैं और वो अपना फ्यूचर कमिट करना चाहते हैं या फिर
मतलब ऐसा उनका प्लान है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन यहाँ पे सीन ये है कि जो बार्सिलोना के बोर्ड के कुछ मेंबर्स हैं वो अब ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे बैक लॉबी यानी कि पीठ पीछे से जो उस्मान डेम्बेले के एजेंट हैं वो उनको टॉप यूरोपियन क्लब्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, और उनमें जो सबसे बड़े दो नाम हैं वो हैं लिवरपूल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्रेजेंट किया है लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पे सेंस बनता है लिवरपूल का, और वो क्यों बनता है वो हम आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बार्सिलोना की क्या स्थिति है। अगेन ना चाहते हुए भी और ऐसी मरगिली इकोनॉमिक हालत में अगर जनवरी ट्रांसफर विंडो तक उस्मान डेम्बेले ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया तो उनके पास कोई और चारा नहीं होगा, बल्कि वो यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो जो भी हाईएस्ट बिड करेगा उसको सेल कर देंगे उस्मान डेम्बेले को। और यहाँ पर सवाल ये होता है कि जब सबको पता ही है कि 6 महीने बाद फ्री एजेंट बनना है तो कोई जनवरी में उनके लिए पैसा क्यों देगा। अब यहाँ पर सीन यहाँ पर यह है कि बार्सिलोना के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। सबसे पहले तो दो चीज़ इसके पे हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखो कि एक उस्मान डेम्बेले ऐसा प्लेयर जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर कोई क्लब एक्चुअली उस पर कैश इन करे, लेकिन उसको कहीं ना कहीं इस पूरी कंट्रोवर्सी और इस पूरी कॉम्प्लिकेशन के चलते उसको ऑलमोस्ट फ्री में यहाँ पे सेल करने वाली है बार्सिलोना। सो अगेन यहाँ पे इकोनॉमिक हालत इतनी ख़राब है और उसमें भी अगर कोई इतना बड़ा लाइक आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एसेट अगर हम बात करें तो वो अगर लिटरली कौड़ियों के भाव जा रहा है तो बहुत बुरी खबर है। एंड ये और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं फॉर बार्सिलोना की। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे बात करते हैं क्यों लिवरपूल के लिए ज़्यादा सेंस बनाती है। अब देखो लिवरपूल की अगर खुद की बात करें तो वहाँ पे भी मोहम्मद सलाह की जो सिचुएशन है वो कुछ इतनी खास अच्छी है नहीं, और ऐसे में चीज़ें अभी फार फ्रॉम ओवर है, फार फ्रॉम कंप्लीटिंग है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जर्गन क्लॉप या लिवरपूल के कुछ अंदर के लोग ये मानते हैं कि अगर ऐसे में उस्मान डेम्बेले को लिटरली फ्री में अगर हम खरीद रहे हैं तो ये बहुत बहुत स्ट्रैटेजिक विन होगी हमारी इन द ट्रांसफर मार्केट। एंड ऑफकोर्स लिवरपूल को हम एक तरीके से पिछले 2-3 ट्रांसफर विंडो से हम जान गए हैं कि दे आर गोइंग टू डू काफ़ी स्ट्रैटेजिक और काफ़ी एक तरीके से आउट ऑफ नोवेयर ट्रांसफ़र करने में वो माहिर हैं। चाहे हम इब्राहिम कोनाते की बात करें, चाहे हम दियोगो जोटा की बात करें, चाहे अब हम उस्मान डेम्बेले की पॉसिबल बात कर सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग बार्सिलोना के पास काउंटर ये है कि वो अगर इन केस उस्मान डेम्बेले जनरल ट्रांसफर विंडो में जाते हैं तो ऑलरेडी हम अपने चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं कि रहीम स्टर्लिंग वाली जो सिचुएशन है वो पॉपअप हो रही है, ऐसे में उसको ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल जाएगा और शायद से रहीम स्टर्लिंग को इनिशियली ऑन लोन वो खरीद सकते हैं। इसी के साथ यार बात जब सलाह की हुई है तो सलाह के रिगार्डिंग यार इस हफ्ते एक ब्रेकआउट स्टोरी ये भी है कि अब रिसेंटली यार उन्होंने मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट एक बहुत ही अमेजिंग सोलो गोल स्कोर किया था, और ऐसे में यार उस टाइम से लेके अब तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगातार फुटबॉल कम्युनिटीज़ में डिस्कशन चल रहा है और आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि शायद से मोहम्मद सलाह इस समय वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है एंड इज़ एक्चुअली द वन ऑफ द इस समय नंबर वन रैंक पे है। और ये बात यार तूल तब पकड़ लेती है जब वेल्स के एक लेजेंड हैं रॉबी सेवेज, उन्होंने ये कमेंट किया कि इस समय मोहम्मद सलाह इज़ बेटर देन रोनाल्डो, बेटर देन मेसी एंड बेटर देन नेमार। और उन्होंने कहा कि इस समय अगर कोई भी अकल लगाएगा और अपना थोड़ा दिमाग से काम करेगा तो वो अपनी टीम में सबसे पहले मोहम्मद सलाह को इंट्रोड्यूस करेगा, ना कि रोनाल्डो, नेमार और मेसी को। और ऐसे में ये चीज़ यार देखो जर्गन क्लॉप ने भी इस चीज़ को एक तरीके से इनडायरेक्टली कहा था, उन्होंने भी उस पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ कही थी कि अगर जो गोल सलाह ने मारा है वो रोनाल्डो या मेसी मारता तो कहीं ना कहीं पूरा दुनिया पागल हो जाती कि भाई साहब गोट वाली थिंग हो गई है। लेकिन क्योंकि यार ये गोल सलाह ने मारा है एंड ही इज़ वेरी अंडरवैल्यूड एंड वेरी अंडररेटेड तो कहीं ना कहीं इतना हल्ला नहीं है। अब इसके रिगार्डिंग यार आपको क्या ओपिनियन है कि क्या एक्चुअली में अगर हम सलाह की रीसेंट परफॉर्मेंस को देखें तो क्या ही इज़ एक्चुअली आउट स्कोरिंग एंड आउट परफॉर्मिंग मेसी, नेमार एंड रोनाल्डो? और अगर इसके रिगार्डिंग आपको क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ यार बात करते हैं ट्रांसफर मार्केट के द मोस्ट इन डिमांड प्लेयर यानी कि अर्लिंग ब्रॉथ हरांड के रिगार्डिंग। अब पिछले कुछ टाइम से हम लगातार इस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं अपने चैनल पर कि कैसे मैनचेस्टर सिटी के भी चांसेज हैं और कैसे रियल मैड्रिड के भी चांस है कि वो हरांड को साइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में अपनी नाक घुसड़ के आई है मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब ये इंटरेस्टिंग स्टोरी इसलिए क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्ट रोनाल्डो का भी प्ले होता है। अब यहाँ पे सीन यार एक्चुअली में स्टोरी ये है कि यहाँ पे मैनचेस्टर के जो अंदर के लोग हैं उनमें आपसी सहमति बन गई है कि वो 2022 में यानी कि नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो में अर्लिंग ब्रॉथ हरान को साइन करने के लिए जो एफर्ट्स हैं वो मारेंगे एंड दे एक्चुअली बिलीव कि दे कैन विन द रेस फॉर अर्लिंग ब्रॉथ हरान। लेकिन यहाँ पे सीन ये है कि जस्ट इसके हम बार छोटा सा अपडेट बार्सिलोना से ही बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि बार्सिलोना थोड़ी ऑप्टिमिज्म दिख रही है कि वो अर्लिंग ब्रॉथ हरान के लिए जा सकती है, लेकिन अब खुद बार्सिलोना के वाइस प्रेसिडेंट ने इस चीज़ को मना कर दिया कि अर्लिंग ब्रॉथ हरान को साइन करने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और सही बताऊँ तो यहाँ पे अगर आपको फिगर दूँ तो बार्सिलोना के जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें तो उन पे 20 मिलियन यूरोज होंगे जनवरी में स्पेंड करने के लिए, और उसमें आई थिंक हम मान सकते हैं कि एक लोन डील ही हो सकती है, या तो इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। साथ ही साथ वापस आते हैं अपनी मैनचेस्टर यूनाइटेड वाली स्टोरी पे, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग इसलिए
क्योंकि रोनाल्डो के पर्सपेक्टिव से अगर रोनाल्डो की विश की बात करें या रोनाल्डो की टिप की बात करें तो रोनाल्डो चाहते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पे अर्लिंग ब्राउथ हेलैंड को नहीं बल्कि जुवेंटस के स्टार फेडरिको चिएसा वो खरीदें। अगेन उसके अपने कॉम्प्लिकेशन है जिसपे हम बात करेंगे, लेकिन ये वो चीज़ है जो कि रोनाल्डो चाहते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉन्ग टर्म को देखते हुए करें। बट अगेन यहाँ पे बात करते हैं चिएसा की कॉम्प्लिकेशन की, तो ऑफकोर्स जुवेंटस अनटचेबल मानती है, और इन केस हाइपोथेटिकली भी अगर चिएसा एक्चुअली में सेलेबल है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड से पहले ही दो वहाँ पे खड़े हुए हैं और वो हैं लिवरपूल और चेल्सी, और इन दो क्लब्स के चांसेस मैनचेस्टर यूनाइटेड से काफ़ी ज़्यादा हैं। इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट की जो कि होने वाली है पॉल पोगबा के रिगार्डिंग। तो पिछले हफ्ते यार हमें पॉल पोगबा से एक पॉजिटिव अपडेट मिली थी कि ऐसा दिख रहा था कि वो शायद से मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रोजेक्ट में और उनके विजन में अब थोड़ा इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब रिपोर्ट से आ रही है कि ऑफकोर्स दूसरे क्लब को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे सबसे पहले दो क्लब से आ रही, जुवेंटस से और पीएसजी से। अगेन जुवेंटस को यार पता है तूल क्यों मिली है, क्योंकि जुवेंटस को तूल इसलिए मिली, खुद जो पॉल पोगबा के एजेंट है मिनो रायोला उन्होंने कमेंट किया था कि अभी भी जुवेंटस पॉल पोगबा के हार्ट में है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि अगर आज के अपडेट के बाद फाइनेंशियली कम्पीट करने के लिए तैयार है जुवेंटस। अब जुवेंटस एज ऑफ नाउ पॉल पोगबा अगर 2022 में एज ए फ्री एजेंट ज्वाइन करते हैं तो उनको अराउंड 10 या 12 मिलियन यूरोस की सैलरी प्रोवाइड करने वाली है, और ये वो सैलरी है जो कि आई थिंक इस समय पॉल पोगबा मैनचेस्टर यूनाइटेड में करंटली अर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर साइड बाय साइड पीएसजी की बात करें तो पीएसजी इस समय पॉल पोगबा को 28 मिलियन यूरोस की सैलरी प्रोवाइड करने की सोच रही है, जो कि ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा है। 28 मिलियन यूरो सैलरी या फिर 600,000 पर वीक की सैलरी यहाँ पे है, एंड ऑफकोर्स पीएसजी को भाई कोई फाइनेंशियली आउटस्कोर कर ही नहीं सकता। और एक बार आई थिंक इस ऑफर को देखते हुए आई थिंक फिर से पीएसजी ने कंफर्म कर दिया और बता दिया कि वाई दे आर द फाइनेंशियल किंग्स ऑफ दिस ट्रांसफर मार्केट अनटिल अभी न्यूकासल यूनाइटेड का आना बाकी है। तो यार ये थी इस एपिसोड के लिए सारी अपडेट्स, आई होप आपको सारी कॉन्ट्रोवर्सीज और जो सारी ट्रेंडिंग मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो पसंद आए होगी, और अगर आपको पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल ट्रांसफर मार्केट से रिलेटेड और फुटबॉल कॉन्ट्रोवर्सीज से रिलेटेड एक्सक्लूसिव स्टोरीज चैनल में मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।